अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको 5 फुट गजाएं बताऊंगी जो आपके घर में बल्कि आपके किचन में मौजूद हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से निजात पा सकते हैं। जब आपको 1 या 2 दिन में स्टूल पास नहीं होता, पखाना पास नहीं होता, तो उसको हम कब्ज की शिकायत कहते हैं। अगर तो 3 दिन से ज्यादा हो गया और आपको स्टूल पास नहीं हुआ, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। आगे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं कि कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो रहे हैं, कुछ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे होते हैं, कुछ आपके खाने की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन अभी उन चीजों की बात करेंगे कि उसके मसाइल क्या क्या हो सकते हैं और उनको किन खानों से ठीक किया जा सकता है। अगर हम मसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन खुद एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप रिलैक्स नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप कोई काम भी इजीली नहीं कर सकते, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो, नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती, बिल्कुल भी किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो आते हैं हम उन 5 गजाओं की तरफ जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाई फाइबर फूड की, जो आप फलों से ले सकते हैं, अपने वेजिटेबल से ले सकते हैं, सब्जियां जो कि हाई फाइबर है, जिसमें आपके आ जाता है खीरा, आ जाता है आपका टमाटर, आ जाता है आपके पास सलाद का पत्ता, आ जाता है आपके पास मूली आ जाती है, आपके पास बंद गोभी आ जाती है, आपके पास प्याज आ जाता है। अगर इसका आप सलाद बना के हर खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके कब्ज को दूर करने में हेल्प आउट करेगा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जितना आप फ्रूट्स खाएंगे उसमें वाटर कॉन्टेंट भी होता है, पानी की मिकदार भी पूरी हो जाती है, आपकी डिहाइड्रेशन की जो पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करें खाने से पहले अगर फलों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये कब्ज को दूर करने में हेल्प आउट करेगा। फिर अगर हम खाने में जो हमारी रोटी है उसमें अगर हम बात करें, तो जो लोग सफेद आटा खाते हैं उनमें कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करें कि आप होल व्हीट आटा का इस्तेमाल करें, जो गंदम का चक्की का आटा है वो इस्तेमाल करें। अगर आप उसमें जौ का आटा मिक्स कर लेते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जौ का दलिया अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो वो कब्ज को दूर करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। कब्ज को दूर करने के दूसरे गजा की अगर हम बात करें तो सेब उसमें सबसे अच्छी चीज है। सेब अगर उठते साथ सुबह छिलकों समेत इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि सेब में जो फाइबर पाया जाता है वो पेक्टिन है। पेक्टिन एक ऐसी सॉल्युबल फाइबर है जो आपकी स्टूल को बहुत ज्यादा बल्क प्रोवाइड करता है और आपके जिस्म से आपकी स्टूल को निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। तो कोशिश करें कि सुबह उठते साथ अगर एक सेब का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कब्ज को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। कब्ज दूर करने में जो तीसरी गजा है वो इंजीर बहुत अच्छी है। अगर रात को 3 से 4 इंजीर अगर आप भिगो के रख देते हैं तो सुबह उसका पानी भी इस्तेमाल कर लें, एक तो वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, आपकी शुगर कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा और साथ में आपके कब्ज को दूर करेगा। तो इसको अपनी रूटीन बना लें कि रात को 3 से 4 इंजीर भिगो के रख दें, सुबह उसका पानी भी पी लें और जो इंजीर है वो आप खा लें। कब्ज दूर करने का अगर चौथे गजा की हम बात करें तो वो तुखमे बलंगा है, जो कि आपने बहुत सुना होगा। गर्मियों में हम उसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। एक तो ये है कि वो फाइबर बहुत ज्यादा है उसमें, वो आपके पेट में जाके फूल जाता है, आपके पेट में जितनी देर रहेगा आपको भूख का एहसास नहीं होगा। तो उसको बहुत तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के आप रख देते हैं तो वो फूल जाएगा, उसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी ड्रिंक में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जूस में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही में डाल सकते हैं, कोई फ्रूट चाट बनाते हैं तो फ्रूट चाट के अंदर डाल सकते हैं आप। तो बहुत से तरीके हैं जिसमें आप तुखमे बलंगा को यूज कर सकते हैं। कब्ज में तो ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता ही होता है, साथ में हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है। कैल्शियम इसमें बहुत मिकदार में पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें बहुत मिकदार में पाया जाता है, पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं अगर वो तुखमे बलंगा का इस्तेमाल अपने जिंदगी में करते हैं, एक तो वजन कम करने में मददगार साबित होगा, कब्ज को दूर करने में मददगार साबित होगा और ब्लड प्रेशर को कम करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। रात में अगर आपको पूरा दिन लग रहा है कि पूरा दिन अगर आपने स्टूल पास नहीं किया, आपको पेट में थोड़ी दर्द की शिकायत हो रही है, तो आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तुखमे बलंगा का और एप्पल साइडर विनेगर का अगर आप डाल के अगर आप इसको लेती हैं, रात को भी आप ले सकती हैं और सुबह उठ के जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो निहार मुंह अगर 1 गिलास में 1 चम्मच या 2 चम्मच तुखमे बलंगा इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच अगर आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा और दूसरा वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपको। 5वीं गजा के बारे में बात करते हैं जो कब्ज को बहुत जल्दी दूर करती है और आपको उसके और भी बहुत ज्यादा फायदे नजर आते हैं, वो है दही का इस्तेमाल। दही में वो प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो ऐसे बैक्टीरियाज जो आपके स्टमक को, आपके जितनी भी गट हेल्थ है, जो आपकी
पेट के जितने भी मसाले हैं उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो प्रोबायोटिक जो कि दही में पाया जाता है, जो कि एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो आपको फ़ायदा देता है, अगर उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर दही में अगर आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इसबगोल में आपको प्रीबायोटिक्स मिल जाएंगे जो कि फाइबर है, जो कि प्रोबायोटिक का फूड है। अगर तो दोनों एक साथ मिल के आप खाएंगे तो वो जल्दी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपका पेट जितना ठीक रहेगा उतनी आपके जितनी भी ग़ज़ाएँ आप खा रहे हैं वो हज़म होने में बहुत मददगार साबित होंगी। आपका पेट ठीक होगा तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो पेट से बहुत से मसाले शुरू होते हैं, अगर आपका पेट ठीक होगा बहुत से ऐसे मसाले हैं जो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो खाने के साथ करें या सुबह नाश्ते में करें या दलिया डाल के करें या उसकी स्मूदी बना लें। लस्सी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पी जाती है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा आपको।